एवरी वन दिस इज एडवोकेट प्रियंका टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जर अगर हम बात करते हैं रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जोर की उससे पहले हमने एनालिटिकल स्कूल को समझा हिस्टोरिकल स्कूल को समझा सोशियोलॉजिकल स्कूल को समझा और नेचुरल स्कूल को समझा इसके अलावा हमने मार्क्सिस्ट की philosophy भी समझी जो सब मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी आज हम पढ़ेंगे रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जोर जी रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जोर जैसे कि नाम में ही है रियल रियल मीन्स वर्ट कि जो एक्चुअली जैसा है समाज जैसा है उसी तरीके से फ़िलासफ़ी चलती है यहाँ पर ये कहते हैं कि जजेस जो लॉ बनाते हैं वही एक्चुअल लॉ होते हैं इसके अलावा कोई लॉ नहीं होता है इट मीन्स रिलेटिंग टू द वर्ल्ड एज इट इज़ एंड बेस्ड ऑन द रियलिज्म जजेस मेड लॉज आर द रियल लॉज लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड है और ये कहते हैं मॉरल एंड पॉलिटिकल डिस्क्लोजर इसमें थोड़ा अलग होता है जो कोर्ट में एक्चुअली डिसाइड होता है वही लॉ है ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ लॉ को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इनके हिसाब से लॉ हमेशा जुडिशली डिस्कवर्ड होते हैं लॉज आर जुडिशली डिस्कवर्ड अब इसकी एमरजेंस की अगर बात करें तो वाइट इमर्ज। रियलिस्टिक स्कूल की एमरजेंस क्यों हुई क्योंकि ये एक रिएक्शन है अगेंस्ट सोशोलॉजिकल थाट सोशोलॉजिकल थाट के बिल्कुल खिलाफ ये एक रिएक्शन आया था ये सोशल uh, इंजीनियरिंग की जो थ्योरी थी जिसमें वो लोग कहते थे लॉयर्स जो होते हैं वो आर्किटेक्ट uh, होते हैं जज़ेस uh, जजमेंट्स uh, के और वही जो हैं लॉ बनाते हैं तो उसको भी इन्होंने नकार दिया था इन्होंने कोर्ट की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया रियलिस्टिक स्कूल में कोर्ट की बड़ी इम्पोर्टेंस है जजेस की बड़ी इम्पॉर्टेंस है इनके हिसाब से जो जज फैसला सुनाते हैं वही लॉ बनते हैं और ये बायसनेस पे डिपेंड करता है फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि जो कोर्ट रूम में क्या क्या फैक्ट सामने आते हैं अब इसमें दो बहुत ही प्रोमिनेंट जो हैं जोरिस्ट हैं एक है होम्स और एक है ग्रे होम्स और ग्रे दोनों ही अमेरिकन जोरिस्ट हैं दोनों ही रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं होम्स का पीरियड था एटीन फोर्टी वन से नाइनटीन थर्टी फाइव तक ग्रे जो थे वो कहते थे जजेस क्या डिक्लेयर करते हैं They were great jurists with realistic approaches and Gray emphasized the fact that the personality and personal views of a judge plays an important role in the decision making. Very true. ग्रे जो uh, हैं वो ये कहते थे कि एक जज की पर्सनैलिटी और उसका पर्सनल ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो कोर्टों में क्या फैसला सुनाते हैं वेरी ट्रू अगर आप देखें कि एक जज अगर बहुत ज़्यादा धार्मिक है तो धार्मिक मुद्दों पे बहुत ही सेंसिटिवली फैसला सुनाएगा अगर आप इसमें पार्शालिटी पे भी जा सकते हैं अगर कोई जज ऐसा होता है आप कोर्टरूम में भी देख सकते हैं अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि ये आ, मेल्स को ज़्यादा फेवर करने वाले जजेस होते हैं तो वो फ़ीमेल के खिलाफ अक्सर फैसला सुना देते हैं तो ये उनकी पर्सनैलिटी उनकी पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है तो पर्सनैलिटी और पर्सनल व्यूज जो होते हैं जजेस के उनके डिसीजन मेकिंग में बहुत इम्पैक्ट होता है जो होम्स फादर ऑफ़ रियलिस्टिक स्कूल माने जाते हैं उन उन्होंने एक प्रोडक्शन थ्योरी दी थी व्हाट डज हिस प्रोडिक्शन थ्योरी से प्रोडिक्शन थ्योरी ऑफ लॉ उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो फैसले होते हैं वो बाहर ही प्रोडिक्ट हो जाते हैं कि क्या फैसला होने वाला है लास्टली कोर्ट में बस जाके वो डिसाइड हो जाते हैं उन्होंने एक बैडमैन थ्योरी भी दी थी बैडमैन थ्योरी के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग लॉयर्स क्लाइंट्स ये सारे बैडमैन हैं क्यों क्योंकि ये सारे अपनी अपनी चीज़ों को सामने प्रूव करने पे लगे रहते हैं उनके हिसाब से कोई भी सही है गलत है मैटर नहीं करता जो सही साबित कर देता है बस वही सही हो जाता है तो जज और एडवोकेट की हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है किसी भी फैसले से पहले क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन उनकी इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड होता है फैसले से पहले ही प्रोडिक्शंस हो जाते हैं इसमें जेरोम फ्रैंक की भी एक थ्योरी है जेरोम फ्रैंक एक बहुत ही स्केप्टिक टाइप के ज़ूरिस्ट थे स्केप्टिव इन द सेंस वो थोड़े शक के दिमाग के थे उनके हिसाब से वो खुद भी बहुत शक्की थे और वो कहते हैं पार्शालिटी कोट कूट के भरी है कोर्ट रूम में क्योंकि जो जजेस होते हैं वो थोड़े से पार्शल हो जाते हैं उनके हिसाब से आपके जिरम फ्रैंक के हिसाब से वो कहते हैं जो एक हिंदू जज होगा वो दूसरे धर्म के ज, जो क्लाइंट्स होंगे उनके खिलाफ फैसला सुनाएगा ज़्यादातर और जो दूसरे धर्म के जैसे मुस्लिम क्रिश्चियंस होंगे वो हिंदू धर्म वालों के खिलाफ फैसला सुनाएंगे तो एक एग्ज़ाम्पल है ये दिस इज़ नॉट मैं ये नहीं कह रही हूँ ये रियलिटी है बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल गिवन बाय जिरम फ्रैंक कि जो धार धर्म के आधार पर या इन सब चीज़ों पर पार्शालिटी हो जाती है उनके हिसाब से डिसीजन होना चाहिए रूल्स और फैक्ट्स पे बेस्ड जिससे एक लीगल डेवलपमेंट होती है उन्होंने कहा डिसीजन बायस्ड हो जाते हैं क्योंकि क्या फैक्ट्स उनके सामने पेश किए जाते हैं सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है सर्टेनिटी तो है ही नहीं कहीं पर भी नहीं है सर्टेनिटी इज जस्ट अ मिथ लॉयर्स आइडियाज लगा लेते हैं कि लॉ कैसे वो बदल सकते हैं इसके अलावा यहाँ एक और थ्योरी बड़ी फेमस हुई थी कार्ल निकर्सन लॉलवेन की जिनका टाइम पीरियड था 1893 टू 1962 इनके हिसाब से रियलिज्म का मतलब है एक मूवमेंट थॉट और वर्क के बीच में क्या थॉट प्रोसेस है और क्या एक्चुअल वर्क है उन दोनों के बीच में जो एक रास्ता है उसको रियलिज्म कहते हैं वो वो कहते हैं जोरिस्ट की ड्यूटी होती है कि एग्जामिन करे वो लॉ क्या है लॉ कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज़ को ठीक करने के काम आता है या ऑट टू मी में ऑट टू बी में फ़र्क होता है मतलब ये दो चीज़ें होती है एक वॉट इज एंड वॉट ऑट टू बी अगर आप बाकी के स्कूल ऑफ थाट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कि वॉट इज़ मतलब लॉ क्या है वाट ऑट टू बी मतलब लॉ क्या होना चाहिए इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए वाट द लॉ इज़ एंड हाउ इट वर्कस ये समझाते हैं कॉल लेलविन नो रियलिज्म रियलिज्म मतलब मूवमेंट ऑफ थॉट एंड वर्क सीधी सी बात बोलते हैं कि कोई रियलिज्म नहीं होता ये सिर्फ थॉट और वर्क के बीच में एक मूवमेंट है उन्होंने कहा हमें लॉ को एग्जामिन करना चाहिए कैसे वो काम करता है उन्होंने ट्रेडिशनल रूल्स को बिल्कुल डिस्ट्रस्ट किया वो कहते हैं ट्रेडिशनल रूल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और उन्होंने कहा हर चीज़ को हमें कैलकुलेट करना चाहिए इवेलुएट करना चाहिए कि कौन कितना सक्सेसफुल है उनके हिसाब से लॉ एक कॉम्प्लिकेटेड इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारे रूल्स प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजीज पे बेस्ड हैं बहुत सारी प्रैक्टिस की जाती हैं यहाँ पर और फाइनली वो कहते हैं लॉ एक मैजिक है और कोर्ट रूम में कुछ भी हो सकता है एनी थिंग कैन हैपन इन कोर्ट रूम तो वो कहते हैं लॉ वही हैं जो कोर्ट में होते हैं बनते हैं जजेस के फैसले जिनको हम प्रेसिडेंट्स बोल देते हैं वही होते हैं और लॉ लॉयर्स क्लाइंट्स ये सारे अपनी अपनी चीज़ों को प्रूव करते हैं जैसे फैक्ट्स को टेंपर किया जाता है डिस्टॉर्ट किया जाता है उसी हिसाब से जो अंदर फैसले हैं वो चेंज हो जाते हैं और जो कानून बनते हैं वो कभी भी सही नहीं होते क्योंकि फैक्ट्स के कभी सामने आते ही नहीं है फैक्ट्स को हमेशा टैंपर किया जाता है डिस्टॉर्ट किया जाता है आउट ऑफ कोर्ट तो इस वजह से जजेस के सामने जो चीज़ें रखी जाएंगी वो तो उसी के हिसाब से फैसला सुना देंगे तो दिस वाज़ द रियल थॉट ऑफ रियलिज्म तो रियलिज्म सबसे लेटेस्ट स्कूल माना जाता है क्योंकि इन्होंने पिछले सारे स्कूल्स को क्रिटिसाइज़ किया इसलिए इसका खुद का क्रिटिसिज्म नहीं है तो रियलिस्टिक स्कूल जो है वो सबसे लास्ट स्कूल था इसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं आपको मेरी प्ले में मिल जाएंगे जो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसको ठीक से समझ के पढ़ेंगे यू कैन स्कोर वेरी गुड कोई भी नोट्स रिलेटेड या फाइल रिलेटेड या और कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एल में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है पर्टिकुलरली कोई नोट्स चाहिए हम लोग बहुत ही कम रेट्स पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं वी प्रोवाइड यू क्लासेस आल्सो अगर कोई बहुत डिटेल में केस लॉज या कुछ पढ़ना चाहता है दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन डबल